दोस्तों भारत विश्व में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और साथ ही साथ भारत में चाय के बगान चाय उत्पादन के साथ साथ इंडिया के पर्यटन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जहां हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ घूमने और हनीमून मनाने के लिए आते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, आपको इस बार छुट्टियों में अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ चाय बगान घूमने जाने का प्लान बनाना चाहिए। इस तरह की यात्रा के दौरान आप मनमोहक वादियों के बीचों बीच चाय कारखानों का पता लगा सकते हैं और अपनी पसंद के चाय एस्टेट में कुछ दिन बिता सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया के बेस्ट टी गार्डन्स के बारे में, जहां टी लवर्स के साथ साथ हर पर्यटक को अपनी लाइफ में एक बार अवश्य जाना चाहिए। ग्लेनबर्न टी एस्टेट, दार्जिलिंग। दोस्तों बर्फ से ढके हिमालय की तलहटी में बसा ग्लेनबर्न टी एस्टेट भारत के प्रमुख चाय बगान में से एक है। ग्लेनबर्न टी एस्टेट 1600 एकड़ में फैला हुआ है, जिसे 1859 में एक स्टॉकिश चाय कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। ग्लेनबर्न टी एस्टेट दार्जिलिंग से 1 घंटे की ड्राइव पर है, इसलिए पर्यटक आसानी से यहाँ घूमने जा सकते हैं। इस गार्डन में कपल्स और टूरिस्ट के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित 8 सुइट्स और एक रोमांटिक वेरेंडा है, जो हिमालय के शानदार दृश्य पेश करता है। यदि आपने इस बार की ट्रिप के लिए इंडिया के टी गार्डन को सेलेक्ट किया है, तो आप ग्लेनबर्न टी एस्टेट दार्जिलिंग को अपनी ट्रिप के लिए पिक कर सकते हैं। यकीन माने यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है, वो भी किफायती रेट में। हैप्पी वैली टी एस्टेट, दार्जिलिंग। दोस्तों हैप्पी वैली टी एस्टेट दार्जिलिंग का एक और प्रमुख चाय का बगान है। दार्जिलिंग से 3 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से 6,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित हैप्पी वैली टी एस्टेट 437 एकड़ में फैला हुआ है। हैप्पी वैली टी एस्टेट दार्जिलिंग के सबसे पुराने चाय बगानों में से एक है, जिसे 1854 में डेविड विल्सन द्वारा स्थापित किया गया था। कारखाने के प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड है, जो अभी भी संपत्ति का मालिक और स्थापना वर्ष दिखाता है। यहाँ पर उगाई जाने वाली चाय को एक नाजुक एटल, मस्कटेल या फूल स्वाद के लिए जाना जाता है। यदि आप फैमिली वैकेशन या फिर अपने लाइफ पार्टनर के साथ हनीमून के लिए दार्जिलिंग घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, तो आप अपनी ट्रिप में इंडिया के बेस्ट टी गार्डन्स में से एक हैप्पी वैली टी एस्टेट घूमने जरूर जाएं और वहां की फेमस चाय को टेस्ट करना बिल्कुल भी मिस ना करें। नीलगिरी चाय बगान, तमिलनाडु। दोस्तों भारत के प्रसिद्ध चाय बगान में से एक नीलगिरी चाय बगान 100 वर्षों से चाय का उत्पादन कर रहा है, जो अपनी सुंदर और सुगंधित चाय के लिए प्रसिद्ध है। भारत के अन्य चाय बगानों के विपरीत यहाँ के बगान पूरे वर्ष भर चाय उगाते हैं, इसलिए आप वर्ष के किसी भी समय यहाँ घूमने आ सकते हैं। जब भी आप यहाँ घूमने जाएंगे, तो कोडानाड एस्टेट, हाईफील्ड टी फैक्ट्री, लॉकहार्ट टी एस्टेट, विग्नेश्वर एस्टेट टी फैक्ट्री और ग्लेंडेल टी एस्टेट जैसी चाय उत्पादन करने वाली कई फर्मों को देख सकेंगे। चारों ओर सुंदर हरी भरी हरियाली से भरपूर नीलगिरी चाय बगान तमिलनाडु पर्यटन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हर साल लाखों टूरिस्ट और हनीमून कपल्स को अट्रैक्ट करता है। कानन देवन हिल्स प्लांटेशन, मुन्नार। दोस्तों भारतीय राज्य केरल के इडुक्की जिले में स्थित कानन देवन हिल्स प्लांटेशन भारत के प्रमुख चाय के बगानों में से एक है। डैनियल मुनरो ने इस पहाड़ी को कानन देवन से 11 जुलाई 1877 को चाय और कॉफी के बगान के लिए पट्टे पर लिया था और तब से यह जगह चाय उत्पादन और पर्यटन के लिए भारत के प्रमुख चाय बगान में से एक बनी हुई है। बता दें यह देश का पहला संग्रहालय भी है, जिसका उद्देश्य इस सदी के पुराने चाय बगान के विकास को चित्रित करना है। बेस्ट टी गार्डन्स को सर्च कर रहे हैं, उन्हें केरल के फेमस कानन देवन हिल्स प्लांटेशन अवश्य जाना चाहिए। यकीन माने इसके मैनिक्योर चाय बगानों और अद्वितीय जैव विविधता को देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। जोरहाट टी बंगला, पूर्वोत्तर भारत के सबसे दूरस्थ क्षेत्र में स्थित असम देश का सबसे बड़ा चाय उत्पादक क्षेत्र है और जोरहाट टी बंगला उसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। घाटी के मध्य भाग में बसे जोरहाट को अक्सर विश्व की चाय राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, जिससे इसकी प्रसिद्धि का अंदाजा लगाया जा सकता है। जोरहाट टी बंगला चाय के बगानों के साथ साथ पर्यटकों के ठहरने के लिए आवास के विकल्प भी प्रदान करता है। यहाँ के बंगले औपनिवेशिक काल के हैं, जो आपको प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर इन चाय के बगानों के बीचों बीच में एक अलग ही अनुभव प्रदान करते हैं। इसी वजह से यहाँ हर साल लाखों टूरिस्ट यहाँ वैकेशन एंजॉय करने और हनीमून मनाने के लिए आते हैं। दारंग टी एस्टेट,
हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित दारंग टी एस्टेट भारत में प्रमुख चाय बगानों में से एक है। 70 एकड़ में फैली हुई दारंग टी एस्टेट एक परिवार के स्वामित्व वाली संपत्ति है और इसमें एक देहाती आकर्षण भी है। इस चाय बगान में पर्यटकों के रुकने के लिए घरों में 4 आरामदायक कॉटेज भी हैं। हर एक कॉटेज हिमालय की बर्फ से ढकी धौलाधार श्रेणी के लुभावने दृश्य पेश करता है, जो यहां आने वाले पर्यटकों को बेहद आकर्षित करते हैं। सो दोस्तों, जब भी आप यहां पर आएंगे तो 70 एकड़ के चाय बगानों के माध्यम से लंबी पैदल यात्रा, तैराकी और मछली पकड़ने जैसी एक्टिविटीज को एंजॉय कर सकेंगे। इनके अलावा दारंग टी एस्टेट के आसपास दी कांगड़ा फोर्ट, ट्रायंड और मैकलोडगंज जैसे कई टूरिस्ट अट्रैक्शन भी हैं, जिन्हें पर्यटक दारंग टी एस्टेट के ट्रिप में घूम सकते हैं। केलगुर टी एस्टेट। दोस्तों, 1500 एकड़ में फैले केलगुर टी एस्टेट दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्थोडॉक्स टी एस्टेट है, जो चाय बनाने की जैविक प्रक्रिया के लिए जाना जाता है। एस्टेट के बीच में स्थित एक कारखाना है, जिसे 70 साल पहले बनाया गया था। यह पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करता है और चाय के शौकीनों के लिए एक प्रमुख आकर्षण भी है। जब भी पर्यटक यहां आते हैं तो वह कारखाने का दौरा कर सकते हैं और चाय बनाने की तकनीकों या चरणों के बारे में जान सकते हैं। कूच बिहार टी एस्टेट, पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग हिल्स की तलहटी में स्थित कूच बिहार टी एस्टेट भारत के प्रमुख चाय बगान में से एक है, जो 30,000 छोटे चाय उत्पादकों की मेजबानी करता है। कूच बिहार टी एस्टेट एक प्रमुख चाय बगान होने के साथ साथ प्रमुख हिस्सा भी है, जो हर साल हजारों की संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कूच बिहार चाय निगम लिमिटेड के स्वामित्व में है, जिसे 1950 में वापस स्थापित किया गया था। यदि आप फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए इंडिया के बेस्ट टी गार्डन्स को सर्च कर रहे हैं तो आप कूच बिहार टी एस्टेट को अपनी ट्रिप के लिए पिक कर सकते हैं। कोलू कुमलाई टी एस्टेट, तमिलनाडु। समुद्र तल से लगभग 7,900 फीट ऊपर स्थित कोलू कुमलाई टी एस्टेट को 1930 में स्थापित किया गया था, जो वर्तमान में अपनी उत्कृष्ट जायकेदार चाय के उत्पादन के लिए जाना जाता है। कोलू कुमलाई टी एस्टेट 2 मंजिला या 2 भागों में विभाजित है। इन चाय बगानों के ऊपर से तमिलनाडु राज्य के अन्य मैदानी भागों को आसानी से देखा जा सकता है, जो इसके आकर्षण में 4 चांद लगा देते हैं। लगभग 70 साल पहले एस्टेट के बीच में चाय का कारखाना स्थापित किया गया था, जो अभी भी पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करता है और चाय के पार्क ही लोगों और पर्यटकों के लिए एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण के रूप में कार्य करता है। गटोंगा टी एस्टेट, असम। दोस्तों, देश में सबसे बड़ा चाय उत्पादक क्षेत्र होने के नाते असम अपने चाय के टेस्ट और चमकीले रंग के लिए जानी जाती है। यदि आप असम में हैं तो आपको जोरहाट के पास गटोंगा टी एस्टेट पर बरगद ग्रोव में अवश्य रहना चाहिए। 100 से अधिक वर्षों के इतिहास के साथ यह औपनिवेशिक विरासत बंगला चाय के बगानों को देखने के लिए सबसे अच्छी जगह है। यहाँ से आप मैनिक्योर चाय बगानों के सुंदर दृश्यों को देख सकेंगे, जो निश्चित ही आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। सो आई होप दोस्तों, आप सब ने इस ठंडी के बाद अपना टूर प्लान कर लिया होगा, और अगर आपने अपनी लाइफ में कभी भी चाय के बगानों को नहीं देखा है तो बेशक आप अपने टूर में इस बार चाय के बगानों को शामिल जरूर करें। बेशक ये टूर आपको काफी किफायती और मनोरंजन देने वाला है। सो दोस्तों, आपको ये चाय बगानों के टूरिस्ट प्लेसेस कैसे लगे हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपकी अपनी कोई फरमाइश हो तो वो भी कमेंट में लिखना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल ट्रैवल NFX को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर से एक नई डेस्टिनेशन के साथ, तब तक के लिए हैप्पी विंटर।